हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रोहित कुमार है और जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, आज जो IBPS का एग्ज़ाम था, IBPS PO 2020, मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट था, मतलब 8 AM। आज तारीख है 3 अक्टूबर 2020, ये मेरा एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में। तो इस शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस आए थे सारे मैं बताऊंगा, और मैंने कितने अटेम्प्ट किए ये सारे बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और चलिए पहले हम लोग समझते हैं इंग्लिश में कैसा कैसा क्वेश्चन आया था। तो इंग्लिश जो आया था वो मैं पहले लेवल बता देता हूँ, इंग्लिश जो आया था वो इजी आया था, ठीक है, आप इजीली इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन आया था, फर्स्ट में आपको मुझे देखने को मिला था क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट वो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन पे बेस्ड था, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन पे बेस्ड था। उसके बाद एक पैराग्राफ आया था, पैराग्राफ था वो ऑनलाइन एडुकेशन पे बेस्ड था, ऑनलाइन एडुकेशन पे। इसके बाद एक फिलर्स आए थे, फिलर्स जो सिंपल एक लाइन दिया हुआ था, फिलर्स आया था, वो भी 5 आए थे फिलर्स। फिर सेंटेंस करेक्शन आया था, सेंटेंस करेक्शन आया था, जिसमें सेंटेंस करेक्शन में क्या था, एक कुछ पार्ट बोल्ड कर दिया गया था सेंटेंस को और उसके ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसको आपको बनाना था सेंटेंस करेक्शन। और ईरर के कुछ क्वेश्चन आए थे, ईरर के मैं बता दूँ 3 क्वेश्चन आए थे, 3 जो क्वेश्चन आए थे ईरर में, उसमें फर्स्ट ABC ऑप्शन दिया हुआ था, ABC ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, ए में आपको सेंटेंस दिया हुआ, बी में सेंटेंस दिया हुआ। इसमें पूछ रहा था कि आपका जो ऑप्शन है उसमें कौन सा सही है, मतलब ओनली ए सही है या ओनली बी सही है, वैसे पूछ रहा था, या ABC तीनों सही है, वैसे आपको पूछ रहा था। तो इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का पेपर का लेवल तो इजी था, इसलिए आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो 25 to 27 होना चाहिए। अब आप लोग पूछ रहे होंगे आपका अटेम्प्ट क्या है, तो मैं लास्ट में बताऊँगा इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट क्या था। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मैथ्स में, इसके बाद हम लोग क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का जो पेपर था वो थोड़ा मुझे टफ लगा, क्योंकि मैं 20 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में क्या था, एक DI आया था, DI वैसे 3 आए थे, 2 DI थे वो इजी लेवल के थे, एक जो था वो मॉडरेट लेवल का था। एक DI जो 2 इजी थे उसमें सिर्फ रेशियो निकालना था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। एक जो मॉडरेट लेवल था उसमें पहले आपको एक यूनिट फैक्ट्री दिया हुआ था, फैक्ट्री में जैसे नट बोल्ट कुछ इसी टाइप का कुछ प्रोडक्ट बनता था, नट बोल्ट्स तो ऐसे ही प्रोडक्ट बनता था उसमें, यानी कि एक फैक्ट्री 1 महीना में 1,000 बनाता है, उसका मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग कितना करता है, इफ़िशियंसी कितना था, तो ऐसा टाइम का टर्म दिया हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग था, इफ़िशियंसी था, इसी टाइप का टर्म दिया हुआ था। तो एक जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट थे। इसके बाद आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए थे, वो 5 आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद बात करें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आपको कोई मिसिंग नंबर सीरीज नहीं आया था, मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को नहीं मिला था, मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज आप लोग मुझे यानी फर्स्ट शिफ्ट में देखने को नहीं मिला था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद DI मैं बता दिया आपको, 3 DI आए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चंस आए थे, तो सिंप्लीफिकेशन भी इजी था। और बता दूँ सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और DI हो गया, ठीक है, ये 3 जो आए थे। और अर्थमेटिक आया था, अर्थमेटिक के क्वेश्चन थोड़े इजी आए थे, कुछ हार्ड थे, तो मैंने 4 से 5 क्वेश्चन बनाया अर्थमेटिक के जो कि इजी लगे मुझे। उसके बाद थोड़े थोड़े क्वेश्चन टफ भी थे, जैसे a प्लस बी
यानी कि टैप है, टैप ए प्लस बी इतना में यानी 10 आवर्स में भर देता है, बी प्लस सी 12 आवर्स में भर देता है, सी प्लस ए यानी कि 15 आवर्स में भर देता है कोई भी टंकी को। तो आपको बताना था कि ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो कितने आवर्स में भर देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का जो पेपर था, रीजनिंग के पेपर में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था और सीधा 35 तक गया था, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो रीजनिंग के पेपर में क्या करना था आपको, 1 से स्टार्ट करके 35 तक जाना था, जिसमें जो पजल आए थे, जो यानी देखिए पहले आए थे मुझे देखने को मिला सिलोलिज्म, पहले मैं मिसलेनियस का बता दे रहा हूँ, सिलोलिज्म देखने को मिला था, फिर कोडेड इनइक्वलिटी था, कोडेड इनइक्वलिटी था, पजल था, तीन से चार था पजल, पजल बहुत कलर का बेस्ड पे था, फिर मंथ के बेस्ड में था, जैसे मंथ में क्या था, मार्च अप्रैल मई, इसमें डेट दिया हुआ था 7 और 16 डे होता है, ये गेम हो रहा था 7 और 16, यानी कि इस दिन में इसका गेम होता है, ए का गेम होता है, इसी टाइप का पजल था। फिर क्या था, कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग वैसे था, एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसको सेंटेंस को कोडेड करते ऐज करके, लेकिन उसके जो क्वेश्चन थे उसके अंदर भी क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा हार्ड था, इसमें 3 क्वेश्चन दिखे थे तो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। तो ये सारे थे सिलोलिज्म, कोडेड इनइक्वलिटी, पजल और कोडिंग डिकोडिंग। तो ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन मुझे, रीजनिंग का जो ऑल ओवर देखा जाए तो पेपर जो था इजी टू मॉडरेट बोलूँगा, इजी टू मॉडरेट। अगर मेरी बात करूँ तो मैंने रीजनिंग में बनाया है 24, रीजनिंग में मैंने 24 बनाया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 22 अटेम्प्ट्स किए हैं, और इंग्लिश में बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने 26 अटेम्प्ट्स किए हैं। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने टोटल अटेम्प्ट हुए। तो रहा बात कट ऑफ का, क्यों, अब कट ऑफ का मैं बता देता हूँ, मैं तो एक पेपर से कट ऑफ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि देखिए कट ऑफ जो पेपर का था वो देखिए मैं आपको बताया था कितना, 2019 का 59.75। तो जितने भी आगे पेपर होंगे उसके बाद ही कट ऑफ का करेक्ट एनालिसिस मिल पाएगा। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो देखिए कट ऑफ बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, नहीं बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना है कट ऑफ बढ़े। क्यों बढ़ेगा, अब आप लोग बोलेंगे क्यों बढ़ जाएगा, तो देखिए इस बार जो सीट्स है वो बहुत कम है, तो कट ऑफ क्या है, चांस है कट ऑफ बढ़ने का। तो आप लोग ट्राई करिए कि आप लोग कितना 70 to 75 बना करके आइए, ठीक है। और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पेपर जिन्हीं का भी अच्छा नहीं गया है या सोच रहे हो अच्छा नहीं गया है, तो अभी देखिए आप लोग पास फुल प्रूफ प्लान है किसके लिए, आई बी पी एस क्लर्क के लिए, IBPS क्लर्क 2020, जो कि एग्ज़ाम होगा आपका 4-5 दिसंबर, ठीक है, 4-5 दिसंबर, तो लग जाइए 4-5 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला, मतलब देखा जाए तो टू मंथ्स अगर देखें तो टाइम में भी देख लीजिए आप, टू मंथ्स यानी 60 डेज मतलब 24 आवर्स, मतलब देखिए आपके पास इतना आवर्स है, सोने और जगने का समय छोड़ दीजिए, पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि इस बार आप लोग को IBPS क्लर्क निकालना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर मेंस से लेकर के प्रीलिम्स तक का प्रैक्टिस करवाऊंगा, अब डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कैसा लगा हमारा एनालिसिस ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।